नुकसान नहीं है। देखिए हमने यहाँ पर एसिड डाल दिया, निकल जाएगा। से खोल रही है, इसके अंदर जितना भी गंदगी होगा सभी का स्वागत है। तो जैसे कि गाइस आप यहां पर देखिए, हमारे पास कार्बोरेटर है और कार्बोरेटर का बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है, और इसको हम अच्छी तरीके से कैसे क्लीन करेंगे, कैसे चलाएंगे, इस वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। आपको लाइव प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि गाइस आप देखिए, ये इसका स्लाइड जो है, स्लाइड ये अगर हम खींचते हैं तब भी नहीं निकलता है, यानी कि काफी दिन से बाइक खड़ी थी इसके वजह से। और इसका मैंने सारा पार्ट्स खोल दिया है, आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों जेड है और उसके बाद ये हमारा फ्लूट पिन है और ये दोनों स्क्रू है, ठीक है गाइस। तो चलिए इसको क्या करना है, सबसे पहले फ्लूट पिन को हटा देना है। इससे पिन को क्या करना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको पहले हमने हटा दिया इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पर, एसिड, और उसके बाद गाइस हमारे पास है हार्पिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एसिड को खोलेंगे, और ये एसिड क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर डाल देना है इसमें। अब देखिए गाइस हमने क्या किया, इसके अंदर एसिड को डाल दिया। अब देखिए ये किस तरीके से खोल रही है, इस तरीके से खोल रही है, इसके अंदर जितना भी गंदगी होगा, इसके अंदर जेड में कचड़ा है, सारा निकल जाएगा और ये अच्छे तरीके से क्लीन होगा। आप देखिए यहाँ पर कितना खोल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर खोल रहा है तो समझो कि सारा कचड़ा हमारा जो है एसिड की मदद से निकल जाएगा और कार्बोरेटर में कोई भी फॉल्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए ये काम हमारा हो गया पहला। अब दूसरा काम मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये स्लाइड जो है काफी ज्यादा जाम है, नुकसान नहीं है। हमने यहाँ पर एसिड डाल दिया क्योंकि ये निकल नहीं रहा है, ठीक है। ये जब एसिड इस तरीके से हम डाल दिए तो देखिए नीचे से जो है निकल गया। हम इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे पेट्रोल की मदद से, जिससे क्या होगा, माइलेज भी अच्छा आ जाएगा और गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा एसिड जो है यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये भी खोलेगा और जितना इसके अंदर कास्टिंग है सारा निकल जाएगा, बिल्कुल धुआं फेंक रही है। अब इस पर इस तरीके से मारना, थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, हार्पिक डालना है। देखिए हार्पिक है, इसको यहाँ पर इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, अब देखिए हम पेट्रोल दे रहे हैं अच्छे तरीके से। आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से इंजन ऑयल डाल देना है। अब गाइस इंजन ऑयल डालने के बाद क्या करना है आपको, इस स्लाइड को यहाँ पर देखिए स्प्रिंग जहाँ रहता है इसको दबाना है इस तरीके से। देखिए अब क्या करना है गाइस, फिर से थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, लाइव प्रूफ देखिए आप। हमने क्या किया, स्लाइड को अच्छी तरीके से बाहर कर दिया। अब देखिए कहीं भी मैंने स्क्रेच आने के लिए नहीं दिया, कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ और मैंने निकाल दिया। गाइस ये इतना जाम था कि कार्बोरेटर डालना ही पड़ता, लेकिन मैंने लाइव प्रूफ आपको निकाल के दिखाया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब मैं बात करूँ इसकी, आप देखिए ये बिल्कुल एकदम चमकता हुआ सितारा बन गया इस तरीके से। अब मैं इसे क्लीन करता हूँ, कार्बोरेटर जो हमारा बिल्कुल नया जैसा हो गया। अब देखिए कितना खत्म कार्बोरेटर था और कितना चकाचक हो गया, यानी कि काफी अच्छा कार्बोरेटर हो गया। और यहाँ पर आप देखिए स्लाइड वगैरह जो है बिल्कुल अच्छा हो गया, ठीक है ना। सारा चीज हमारा सामान बच गया कार्बोरेटर का, स्लाइड भी निकल गया और चकाचक हो गया। तो गाइस हमें क्या करना पड़ा था, एक ये चाहिए हमें एसिड, और दूसरा हमें चाहिए पेट्रोल, और तीसरा हमें चाहिए हार्पिक, और थोड़ा सा चाहिए ऑयल। चार सामान की मदद से कार्बोरेटर को आप आसानी से बचा सकते हैं, और आपका जो है 1800 से 1600, 1100,
हर तरह का कार्बोरेटर होता है, वो पैसा आपका बच जाएगा। और लाइव प्रूफ मैंने आपको दिखाया करके कि गाइस कितनों खत्म कार्बोरेटर रहेगा, वो आप इस तरीके से बचा सकते हैं। तो चलिए गाइस अब इसको हम फटाफट फिटिंग करते हैं। अब जो है गाइस हमारा कार्बोरेटर बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब कोई भी तरह का दिक्कत नहीं रहा, तो इसी तरीके से आपको कार्बोरेटर को बचा लेना है और काम कर लेना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।